यार ये परिवार इतना अच्छा है, नॉर्दर्न युगांडा में आने के बाद एक्सपीरियंस अच्छा रह रहा है। और इधर में मिसाई कर रहे हैं, इधर धान की मिसाई कैसे करते हैं आप लोग देखिए। यहाँ मछली सिर्फ जल की रानी नहीं है, कीचड़ की रानी भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और फिलहाल अभी मैं हूँ युगांडा देश के ईस्टर्न पार्ट के तरफ में, एक छोटा शहर है बोसोलवे करके। यहाँ से अभी अम्बाले जाने वाले हैं। ये हमारा नॉर्दर्न युगांडा का सफर चल रहा है। जिंजा से यहाँ है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, फिर यहाँ से भी अम्बाले, अम्बाले से होते हुए सोरोती लीरा नॉर्दर्न युगांडा में प्रवेश करेंगे। इधर मेरे दोस्त हैं, हेलो अशरफ हैं ये, ठीक है तो निकलते हैं दोस्तों। ये हम तैयार हैं जाने के लिए। लगभग 1500 किलोमीटर का ये सफर होने वाला है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नॉर्दर्न युगांडा जाना और वापस जिंजा तक पहुंचने तक का बता रहा हूँ। इस सफर में क्या होता है, कैसे हमारा सफर रहता है और इसके बीच में अलग अलग गांव आते हैं, विलेजर्स, लोकल लोग, सबसे मिलाते चलूंगा, मिलते चलूंगा मैं। यहाँ से अम्बाले तक की दूरी दोस्तों लगभग 55 किलोमीटर है। भाई पूरे हमारे देश जैसे खेत खलिहान यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे धान की खेती है भाई। वैसे युगांडा देश में धान की खेती करना उतना कॉमन नहीं है, केले होते हैं और कसावा वगैरह होते हैं, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में जहाँ पर मैं अभी फिलहाल हूँ यहाँ पे धान की खेती भी की जाती है। ये आप लोग देखिए, और अच्छा खासा ही हुआ है यार। और इधर में मिसाई कर रहे हैं, इधर धान की मिसाई कैसे करते हैं आप लोग देखिए। हेलो ऐसे ना धान काटने के बाद गिर गया रे मैं लेकिन ये गिरना अच्छा था, बच्चे खुश हुए तो धान की मिसाई में दिखाने वाला था आप लोगों को। धान काटे उसके बाद में थोड़ा ही सुखाने के बाद में ऐसे पीट रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे धान जमा हो रहा है ना। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में हूँ। और ये मैंने क्यों लिया हुआ है थोड़ी देर में बताऊंगा, यहाँ का रोड दिखाते हुए। बाय देखिए दूर से ही कितना अच्छा कनेक्शन बन गया भाई। ओके थैंक यू ब्रदर। हाँ तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, ये सॉल के बारे में। यहाँ पे ना मेरे पास वो शर्ट होता है ना वैसा वाला नहीं है धूल धक्कड़ से बचने के लिए, फिलहाल ये है। तो मैं तो ये ना मैं पूरा ऐसे ओढ़ लेता हूँ धूल से बचने के लिए। अभी तो कम दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही एक दो गाड़ी यहाँ पे आने लगी ना पूरा कोहरा सा छा जाता है भाई, धूल का पूरा धूल धूल हो जाएंगे आप, और ऐसा काफी लंबे रास्ते तक है। भाई इधर में यार बच्चे जाल से मछली फंसा रहे रोड के किनारे। इधर में गन्ने की खेती, इधर गाय बैल चर रहे हैं, उधर में एक घर है और काफी ग्रीन ये कंट्री है जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूँ। भाई कीचड़ से मछली निकालने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मछली सिर्फ जल की रानी नहीं है, कीचड़ की रानी भी है तो भाई अम्बाले पहुँच गए हम लोग। यहाँ से दोस्तों लेफ्ट लेना पड़ेगा, सीधा जाएंगे तो तोरोरो पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से केनिया। केनिया यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। एक गैरेज में आके रुके हैं भाई, इंजन ऑयल चेक करवा लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो चेंज कर लेंगे। यहाँ पे लंबी सफ़र है, रिस्क क्या लेना, क्योंकि गाड़ी का ना कुछ भी मीटर वगैरह चालू नहीं है, पता नहीं है कि कितने किलोमीटर जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। इस गाड़ी के मालिक ने पता नहीं कब चेंज करवाया होगा। ये जो बाइक है दोस्तों ये मेरे दोस्त का नहीं है, रेंट पे लिया हुआ है हम लोगों ने, बजाज बॉक्सर। हर तरफ इंडियन बाइक्स देखने को मिलेंगे भाई यहाँ पे, ये सारे इंडियन बाइक्स हैं जितने भी हैं। इधर भी देखो, मैंने तो यहाँ खास करके अभी जब से आया हूँ युगांडा में जिंजा एरिया में, मैंने एक भी इसके अलावा किसी दूसरे बाइक को नहीं देखा है, बॉक्सर बाइक के अलावा। ये भाई क्या हाल हो रखा था देखो। तो भाई ये हेलमेट ले लिया मैंने, और इसमें भी फ्यूलिंग हो गया है जो इंजन ऑयल डालना था उसमें। तो अब हम दोस्तों नॉर्दर्न युगांडा की तरफ बढ़ने को तैयार हैं, तो अपना सामान वगैरह लेते हैं। अभी इसका जरूरत तो पड़ेगा नहीं, इसका पड़ेगा, ये तो इतना सुरक्षा मुझे दे रहा है। ओके ओके यस थैंक्स ओके। चलो रे भाई ना दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एवोकाडो। भाई कितने सारे फले हुए हैं यार, देखो
चाहूँ तो ऐसे तोड़ सकता हूँ। ओके बिको, पेट्रोल डलवा लेते हैं भाई। कितना रुपए लीटर है उसकी बात करूँ तो एक लीटर का भाई यहाँ पे है 5400 सीलिंग है ना, 110 रुपए के आसपास। जगह रुके हैं तो ये बेच रहे हैं, देखिए जी बिट्टू ये ले लेते हैं यार जब रुक ही गए हैं तो भाई एक जगह रुक गए हैं फिर से, यहाँ गाड़ी लगा के सामान वगैरह इधर रख दिए और मार्केट के अंदर में जा रहे हैं। ये लोकल मार्केट मैंने देखा तो सोचा कि यहाँ रुक के थोड़ा घूमते हैं। और यार मैं जिन रास्तों से गुजर रहा हूँ ना मेन रोड से ही, लेकिन दोनों तरफ बहुत सारे ट्रेडिशनल हाउसेस देखने को मिल रहे हैं। इतना तो यार रूरल विलेजेस में भी देखने को नहीं मिलते हैं जितना इस रास्ते में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कपड़ों का ऐसा है दोस्तों, ज्यादातर ना सेकेंड हैंड कपड़े ही बिकते हैं। ये भजिया वगैरह बना रही है दीदी। दिस इज कसाव फ्राई। इधर में यार पीने खाने का जुगाड़ है, उधर नहीं जाएंगे भाई। इस मार्केट में ना कपड़े ही ज्यादा हैं यार। कुछ कुछ खाने पीने की चीजें दोस्तों इधर में बिक रही हैं। ये सूखी मछलियाँ और सब्जियाँ इधर में हैं। तो ऐसा है भाई यहाँ का मार्केट। और पहुँच गए वापस। तो भाई लंच करने का समय हो चुका है, सोरोटी पहुँच चुके हैं खाना पीना खा के। लीरा के लिए निकलेंगे, यहाँ से 122 किलोमीटर है लीरा जो कि नॉर्दर्न युगांडा में पड़ता है। ये अभी भी हम लोग अभी ईस्टर्न युगांडा में ही हैं, ईस्टर्न युगांडा के लगभग लास्ट पॉइंट में। थैंक यू सो मच। तो खाने में क्या क्या है आप लोग देखिए, इधर ग्रीन्स हैं सुकुमा विकी और पोटैटो उगाली, पता नहीं क्या हलवा है, राइस बीन्स और ये पैशन फ्रूट जूस। हो गया भाई खाना पीना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 3 घंटे का समय लगेगा लीरा पहुँचने के लिए। तो भाई फाइनली हम लोग नॉर्दर्न युगांडा में प्रवेश करने वाले हैं। युगांडा देश में टोटल 4 रीजन है, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न। अब आप लोग पूछेंगे कि साउदर्न पार्ट कहाँ है युगांडा देश का, साउदर्न रीजन नहीं है क्या? तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, साउदर्न पार्ट में दोस्तों है लेक विक्टोरिया का पानी, कुछ भाग केन्या देश के पास में है, कुछ भाग तंजानिया में, वैसा ही कुछ भाग इस देश में भी है। और हाँ दोस्तों मैंने बताया कि युगांडा देश में 4 रीजन है, 4 राज्य मान लीजिए, तो उनमें से टोटल जो जिले हैं वो 135 के लगभग में है ना। अब आगे बढ़ते हैं। भाई पहुंच चुके लीरा यार, ये शहर तो काफी अच्छा, काफी साफ सुथरा लग रहा है देखने में। लीरा पहुंच के दोस्तों यहाँ पे एक होटल में हम लोग रुक गए और मॉर्निंग में उठ के गुल्लू के लिए निकलेंगे। थोड़ा और ऊपर की तरफ में जाते जाएंगे और नॉर्थ में है ना गुल्लू, फिर लूबोंगो। वैसे ये लीरा भी नॉर्दर्न पार्ट में ही आता है युगांडा देश का, लेकिन शुरुआती पॉइंट है। और आज के सफर की बात करूं बाइक में हम लोग कितना किलोमीटर आए, तो लगभग 250 से 280 किलोमीटर के आसपास बुसोलवे से यहां लीरा तक है ना। अभी फिलहाल मैं वीडियो बनाना बंद कर रहा हूं, मॉर्निंग में मिलता हूं जब हम लोग यहां से गुल्लू के लिए निकलेंगे दोस्तों। तो भाई गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी और निकल चुके हैं हम लोग गुल्लू जाने के लिए। रास्ते में रुके हुए हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं बाइक में, इसका चेन ना कुछ आवाज कर रहा है, तो वो थोड़ा चेंज करवा रहे बाद निकलेंगे। 100 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से लीरा से गुल्लू। हवा भी भरवा लेते हैं यार, कम था। गाड़ी टनाटन बन के तैयार है भाई, और इधर कॉफी पी के चलते हैं भाई, पेट्रोल डलवा लेते हैं यार फिर से। तो भाई वेलकम टू गुल्लू, कल पहुंच गए थे यार यहाँ पे, लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। कल कपड़े धोना वगैरह जो भी काम था वो किया, कुछ वीडियो भी एडिट किया मैं इंस्टाग्राम के लिए भी और यूट्यूब के लिए भी, और अभी वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट या लोग डिनर में भी खाते हैं, लंच में भी रोलेक्स, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का रोलेक्स था और अफ्रीकन टी। और अभी निकले हुए हैं गुल्लू सिटी को थोड़ा घूमने के लिए। वैसे कल हम लोग काफी घूमे यहाँ पे, लेकिन वीडियो नहीं बनाया। ये गुल्लू सिटी दोस्तों नॉर्दर्न युगांडा का सबसे बड़ा शहर है। दादा फोटो स्टूडियो, ये अमीर भैया जिससे मिली, हेलो जी, ये इंडिया में गुजरात से हैं। एक और भैया जी का दुकान है यहाँ पे जो कल मिले थे, गुल्लू शॉपर्स सुपरमार्केट, ये भी हमारे एक इंडियन भैया जी का ही सुपरमार्केट है। हेलो जी कैसे हैं? अच्छा ये भी गुजरात से हैं, चले जी, थैंक यू। मैं तो सोच रहा था यार बस कंपाला जिंजा में जो हमारे देश के लोग हैं उनका दुकान वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना जिंजा में, ज्यादातर भारतीय लोगों का है ना। मुझे लग रहा था कि उधर में ही है, लेकिन भाई लीरा तक में है। गुल्लू की क्या बात करूं, लीरा, फिर जो मैंने हेलमेट लिया ना अम्बाले से, वो भी एक इंडियन भाई साहब का दुकान था। वापस जा रहे हैं दोस्तों जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे,
हमारे बैग्स वहीं पर ही छोड़ के आए हुए हैं, बाइक भी, बस वहां जाके फिर बाइक लेके निकलना है। आज का जो प्लान है बीबिया जाने का, तो भाई प्लान चेंज हो गया है हम लोगों का। अभी हम लोग निकलने वाले हैं किदगुम लबोंगो के तरफ के लिए एक वाटरफॉल है, अरु वाटरफॉल, वो भी देखते हुए जाएंगे। फिलहाल अभी निकलते हैं किदगुम तरफ के लिए। लुबोंगो कहाँ रुकेंगे पता नहीं, इसलिए दो नाम ले रहा हूँ मैं, है ना। 110 किलोमीटर के आसपास का ये जर्नी होने वाला है अभी दोस्तों। सीधा जाएंगे तो किदगुम की तरफ पहुंच जाएंगे और इधर में 8 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो अरु फॉल्स घूम के आते हैं और उसके बाद जाएंगे किदगुम की तरफ, है ना। अभी जो लैंडस्केप देखने को मिला यार, ये अलग था। मतलब अभी तक नॉर्दर्न में पहुंचने के बाद भी सेम लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा चेंज लगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, युगांडा देश में सिर्फ मेन रोड अच्छे होते हैं और थोड़े भी कहीं लेफ्ट राइट अंदर चले जाएं तो वहाँ का रोड ऐसा ही देखने को मिलता है, है ना। पूरे देश की कहानी है ये। मेन रोड तो अच्छा ही होता है यार, आपने देखा ही, काफ़ी अच्छा है जो हाईवे होते हैं यहाँ के। और एक बात, इधर गर्मी ज़्यादा है दोस्तों, कंपाला के तरफ में, जिंजा के तरफ में तो कम होता है, इधर में गर्मी ज़्यादा है, धूप का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और उतना ग्रीन नहीं है, है लेकिन कहीं ग्रीन है तो फीका है, समझ में नहीं आ रहा है यार, बहुत कलरफुल है बोल सकते हैं आप। तो भाई पहुंच चुके हैं अरु वाटरफॉल के पास में, यहां से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ब्रायन, इधर मिलिए ब्रायन भाई से। तो वाटरफॉल तक जाने का रास्ता ऐसा है दोस्तों, ये मेरे साथ अशरफ भाई हैं। ये भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, वैसे हैं तो ये भी युगांडा देश के, लेकिन नॉर्दर्न युगांडा में आना इनका भी पहली बार है और भाषा बोली भी इनके लिए बहुत अलग है दोस्तों। वैसे पूरे देश में लुगांडा भाषा बोली जाती है, लेकिन इधर में वो नहीं आता है लोगों को, इनका अलग भाषा है। हमारे देश में तो दोस्तों हर 20-30 किलोमीटर में भी अगर बोली भाषा बदल जाए तो कोई नई बात और बहुत बड़ी बात नहीं होती है, है ना। तो यहाँ पे 400-500 किलोमीटर में क्यों ना बदले। बरसात में दोस्तों यहाँ पे पानी भर जाता होगा ऐसा मुझे लगता है। ओ भाई, यहाँ से वाटरफॉल दिखने लगा है, अरु वाटरफॉल। नॉर्दर्न युगांडा में दोस्तों ये बहुत फेमस जगह है, गुलू नाम के शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है ये। वैसे हम लोग नहा के आए हैं यार, लेकिन मन तो मेरा भी होने लगा है नहाने का। भाई बल्ले बल्ले बोलने की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ से, लगता है इंडियन फैमिली है इधर में। भाई इधर पूरे इंडियन लोग भरे हुए हैं, फुल मस्ती मजा ले रहे हैं। बारिश हो रही होगी तो यहाँ पार होने में काफी खतरा होगा, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी बहुत ज्यादा तेज हो सकता है। जहाँ वाटरफॉल्स होते हैं ना दोस्तों, वहाँ हमेशा खतरा ही होता है, आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को मिलता है, है ना। तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। यहाँ पर एक और वाटरफॉल है यार, इधर मेरे दोस्तों से मिलो। हेलो, ये भाई लोग भी घूमने के लिए आए हुए हैं, इजिप्ट से हैं। हेलो, ये तो एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर हो गया यार, उम्मीद भी नहीं था। मन अभी भी नहीं भरा है यार, यहाँ पे थोड़ा और नहा लेता हूँ। कैसे जाना है भाई, वापस आ चुके हैं, लेकिन पल भर में मौसम कैसे बदल गया आप देखिए। पूरा अफ्रीकन वाइब है यहाँ पे भाई। बारिश खत्म हो चुकी है दोस्तों,
उधर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो भाई नॉर्दर्न युगांडा का ब्लॉग चल रहा है और यहाँ का विलेज लाइफ आप लोग ना देखें कैसा हो सकता है, अलग से ब्लॉग शायद आएगा नॉर्दर्न युगांडा का विलेज लाइफ कैसे है उसके बारे में डिटेल से, लेकिन इस ब्लॉग में ही मैं आप लोगों को यहाँ का विलेज लाइफ दिखाना चाहता था थोड़ा ही सही, है ना। इधर एलन से मिलिए दोस्तों। हेलो हेलो इनका नाम है एलन, ये इनका ही गाँव है और ये वहाँ पे रहते हैं इस वाले घर में। काफी सुंदर और बहुत ही पीसफुल ये गाँव है यार। और ये देखिए झाड़ू जैसा, ये यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये जिंजा में बहुत महंगा बिकता है भाई। They know like grass hatch for the guest house. नॉर्दर्न युगांडा का गांव देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पे घर कैसे होते हैं वो देख रहे हैं। यहाँ पे बिजली नहीं होती है गांव में, मोस्टली नहीं होती है ना, लेकिन ऐसा जुगाड़ कर लेते हैं आजकल। ओके माई फ्रेंड थैंक यू। तो इनके घर के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो इनका घर ऐसा है यार, अंदर से देखिए काफी सही भाई, वेरी नाइस। सो यू स्लीप है? या आई स्लीप हियर, माय बेड इज आल्सो हियर। एंड योर फैमिली? दिस ओह योर बेड इज हियर। या तो ये वाले जो दोस्त हैं यहाँ पे सोते हैं दोस्तों। देखिए ये एक रूम हो गया, ऐसे पर्दा लगा के रखे हैं, फिर इधर में एक रूम। तो भाई इधर में इनका किचन है और ये वाले घर में इनके मम्मी पापा रहते हैं, है ना। हेलो हाउ आर यू? फाइन हाउ आर यू? ओह आई एम गुड थैंक यू। तो भाई इनका किचन देखते हैं कैसा है। इस गांव में घूम के आप लोगों को आइडिया लग जाएगा नॉर्दर्न युगांडा में मोस्टली विलेजेस कैसे होते हैं, उनमें घर कैसे होते हैं। हेलो हाउ आर यू? व्हाट इज द ग्रीटिंग वर्ड हियर ब्रदर? लाइक व्हाट इज द ग्रीटिंग वर्ड इन नॉर्दर्न युगांडा? इन नॉर्दर्न युगांडा इटियन इनिंग। या इटियन इनिंग अतिमबे। नाइस इटियन इनिंग अतिमबे फॉय। नाइस। इधर में देखिए दोस्तों आम का पेड़। हेलो इटियन इनिंग। ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू, यू सिट हियर, वी आर जस्ट हियर फॉर 2 मिनट्स थैंक यू। व्हाट देयर इज हाउ आर यू ऑल यू ओके? Actually, I wanted to see the village here. Like, yeah, it's first time in Northern Uganda, so I wanted to see how it looks, how are the people there. Okay, you continue. What are you doing? I'm just going around and go. Okay. What am I doing? I'm just going to go around and make him. Hey, let me ask you one. My name is Deepak. You're from where? India. Okay. You allow me to see around? Yeah. No problem. Okay. Thank you. Eat anything? Where? I'm Ugandan. Yes. बहुत अच्छा परिवार है इनका यार, चॉकलेट लाना भूल गए, कुछ तो देख के जाते हैं चॉकलेट खरीद लेंगे। भाई इधर देखो ये कौन सा फल है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो कुछ दूर और आने पे दोस्तों आप लोगों को जो घर देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे हैं। अरे भाई उधर में और भी घर हैं देखिए। लेकिन और अंदर नहीं जाएंगे यार, जाना है 60-65 किलोमीटर कितगुम, आज का स्टे वहाँ होगा, वैसे भी रात हो जाएगी थोड़ी देर के बाद में। एलन मेरा भाई बहुत बढ़िया अच्छा लड़का है यार, सही में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंटायर लाइफ। थैंक यू एंड यू आर सो काइंड। थैंक यू थैंक यू। फोटो वगैरह ले रहे थे यार हम लोग अभी, यार ये परिवार इतना अच्छा है मैं कैसे बताऊं। नॉर्दर्न युगांडा में आने के बाद एक्सपीरियंस अच्छा रह रहे हैं। ईस्टर्न युगांडा में जैसा विलेज लाइफ है, जितने अच्छे लोग हैं काइंड हैं, यहाँ भी वैसे ही लोग हैं बहुत अच्छे हैं, है ना। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों यहाँ से जाने का समय हो चुका है यार, और मैं सोच रहा हूँ ये जो ब्लॉग था यहाँ पे एंड किया जाए। मुझे उम्मीद है ये जो ब्लॉग था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग इंतजार करें, नॉर्दर्न युगांडा में हम लोगों का समय कैसे बीतता है, कहाँ कहाँ घूमते हैं वगैरह वगैरह आप लोग देखेंगे। तो ठीक है, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए दोस्तों अपना, बहुत जल्द मिलूंगा मैं आप लोगों से। नमस्कार।